और बाबरपुर में हमारे सहयोगी कुलदीप शर्मा, वहां पर बहुत हलचल क्योंकि वहां पर जो विधायक हैं गोपाल राय वही मंत्री भी हैं, बहुत सारे उम्मीदों के बोझ के तले गोपाल राय, और क्या कितने आश्वस्त उनसे बात की हमारे सहयोगी कुलदीप शर्मा ने, वो सुनवाते हैं आपको। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए है दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय, जिन्होंने अभी अभी अपना वोट डाला है। सीधा गोपाल जी से बात करेंगे। सर, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं आज अपने विधानसभा क्षेत्र में आप? हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी लोग काम के लिए वोट करने जा रहे हैं। अगला 5 साल कैसा होगा उनकी जिंदगी में, इसके लिए लोग वोट करने जा रहे हैं। काफी लोगों में सकारात्मक रुझान है, अरविंद केजरीवाल को दोबारा लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और बड़ी तादाद में लोग सुबह से ही अब वोट देने के लिए निकल चुके हैं। और मैं लोगों से अपील भी करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक मतदान करें, अपने 5 साल के भविष्य के लिए मतदान करें। आपका क्या मुद्दा रहा वोट डालने के लिए, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना एक मुद्दा होता है, वो उस मुद्दे पर वोट करता है। गोपाल राय ने किस मुद्दे पर वोट किया? अगले 5 साल दिल्ली के बेहतर भविष्य के लिए वोट किया। और ये जानना चाहेगी, आप कह रहे कि दिल्ली के बेहतर भविष्य के लिए वोट डाला, लेकिन चुनाव में हम देख रहे थे कि और दूसरे मुद्दे भी उठने शुरू हो गए, शाहीन बाग उठना शुरू हो गया, वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर भी कोशिश की गई, क्या ये कुछ असर डालेगा? जनता में काम इतना हावी रहा है कि दूसरे मुद्दे कोशिश की गई लेकिन उसका कोई असल धरातल पर नहीं है। लोग 5 साल के लिए अपना मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं और अरविंद केजरीवाल से बेहतर मुख्यमंत्री उनके सामने कोई नहीं। लोगों से क्या अपील करना चाहेगी आज के दिन के लिए? मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि वोट जरूर करें, काम के लिए। पिछली बार एक अच्छी खासी जीत आपने हासिल की थी, इस बार क्या उससे बड़ी जीत होगी? निश्चित रूप से। और पार्टी के लेकर क्या सोच रहे हैं, पूरी पार्टी की जीत को लेकर? पार्टी 67+ ला रही है। तो बिल्कुल, ये थे मेरे साथ गोपाल राय, जो अपनी जीत के साथ साथ पार्टी की एक बड़ी जीत का दावा करते हैं।